पी न्यूज से पहले एक बड़ी खबर आती हुई, बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बिहार सरकार ने बाढ़ की स्थिति पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक मधुबनी में आज रात 8 बजे होगी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। मिरर नाउ ने बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार से राज्य की दशा पर खास बातचीत की, आप ही सुनिए। बहुत मुसीबत में लोग हैं अंदर इस वक्त। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मदद पहुंचाई नहीं गई है अभी तक, और कोई हमसे बात भी नहीं करने आ रहा है। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो हमें दवाई नहीं दे रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिल रहा है, और खाने को चूड़ा और जो गुड़ की बात मुख्यमंत्री जी ने की है वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो आज चलकर इसलिए ज़मीन पर आया हूँ वास्तविकता को देखने के लिए, जो सरकार के द्वारा बचाव राहत जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। ये आपके जो शीर्ष नेता हैं बिहार के अंदर सुशील मोदी जी, वो कह रहे हैं कि कुछ चैनल मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैं सुपर 30 देख रहा था, मैंने तो पिछले 6 दिन में 2 बार देखा है, तो इसे मजाक बनाने वाली कौन सी बात है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो मूवी वहाँ देख रहे हैं उनको यहाँ पे आके लोगों से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए पहले लोगों से आके, और इनकी भी चीज़ों को देखनी चाहिए कि कैसे जी रहे हैं? निश्चित तौर पर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सब लोग, मतलब हम लोग, विधानसभा का सत्र चल रहा था, हम तो और पहले आते जाकर, तो जो कमी दिख रहा आपको है निश्चित तौर विश्वास दिलाते हैं जाकर के कमी को दूर की जाएगी जाकर। ये तो प्राकृतिक आपदा जाकर के है, और प्राकृतिक जो आपदा आता है तो संभालने में समय लगता है। जो लोग फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उनको ना खाना मिल रहा है ना दवाई मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। विश्वास दिलाते हैं थोड़ा तो, हम समय चाहें ज़्यादा नहीं, 8 घंटे का समय, अभी जा रहे हैं हम, बैठक होगी रात में 8 बजे, बैठक हमारी होगी। टाइम कितना भी हो रहा है, 4 बजे रहा, 4 घंटे बाद मीटिंग हमारी है। मैं स्वयं घूमकर फील्ड से जा रहा हूँ, सच्चाई से अवगत वहाँ रूबरू हो गए, और प्रशासन का क्या प्रबंध यहाँ पर है, कमी जो रहेगी जो लोगों ने कहा है, हम विश्वास दिलाते हैं उनको हर संभव, जो सरकार का राहत है, दवा है, भोजन है, और जो सुविधा देने की बात हम लोगों ने की है जाकर, जो 19 तारीख से उनके खाते में 6,000 रुपये राशि देने के लिए हम लोगों ने जो ऐलान किया है वो ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। तो इस तरह से हम स्वयं देख करके और जो कमी या चर्चा आपने की है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और इस ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं प्रशांत के पास, जो कि इस समय बिहार में मौजूद है, और उन्होंने ही कृषि मंत्री प्रेम कुमार से बातचीत की। प्रशांत, मंत्री जी दावे बहुत कर रहे हैं, दौरे पर भी निकले हैं, एक डेडलाइन भी सेट कर दी है कि मदद 8 घंटे में लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, पर आप बिहार में हैं, मौजूद हैं मधुबनी में, वहां पे क्या हालात हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, और सरकार के दावों को कितना सच माना जाए? फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं प्रशांत, हमारे संवाददाता जो कि इस समय मधुबनी बिहार में ही है, और उन्होंने ही कृषि मंत्री से बात की थी। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्री द्वारा बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बोला जा रहा है 8 घंटे तक एक्शन लिया जाएगा, एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, खुद दौरा करने के लिए निकले हैं कृषि मंत्री बिहार के, मगर आप ग्राउंड पर इस समय मौजूद हैं, किस तरह के हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या सरकार के दावों में कुछ सच्चाई है? सरकार के दावों पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको मंत्री जी की हुलिया की बात बता दूं, वो आज 7 दिन के बाद निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और पानी का पहला कतरा देखते ही, इस जगह से पानी सबसे कम थी, वो उस जगह भी अंदर नहीं गए क्योंकि मंत्री जी के जूते गंदे हो जाते हैं, और वो वहां से वापस चले गए। 8 घंटों का एक टाइम वो टाइम लाइन सेट किया है कि 8 घंटे के अंदर एक्शन लेंगे। रात 8 बजे एक मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, एक रिव्यू मीट है जो कि मधुबनी में चेयर किया जाएगा, ये कृषि मंत्री प्रेम कुमार ही उसको चेयर करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 4 बजे से 4 घंटे मीटिंग में, और अगले 4 घंटे में हम पूरी जनता की को सेवा दे पाएंगे। और सबसे हैरानी करने वाली बात ये थी कि जनता ने उनके सामने उनके मुंह पर ही उनको कहा कि आप जो ये बोल रहे हैं ये गलत है, और हमें किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है, ना तो कोई सरकारी मुलाजिम हमसे मिलने आया है, आप पहले नेता हैं जब हमसे मिलने आए, तो कहीं ना कहीं ये एक शर्मिंदा करने वाली बात है मंत्री जी को। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मंत्री जी हमारे आगे कैवलकेड में चल रहे हैं, और हर जगह उनको इसी सच्चाई को रूबरू कराया जा रहा है, और जनता कहीं ना कहीं अब जाग रही है, जनता उन्हें बता रही है कि आप देर हो रहे हैं और हमें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। जी प्रशांत, और आप खुद भी इस समय बिहार में ही मौजूद हैं, आप बताइए कि आप कहां पर हैं इस वक्त और किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, और जो जनता है वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रही है? देखिए, हालात भयावह है, ये सही बात है कि पिछले 2 दिनों में पानी का स्तर, जल का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है, मगर अगर बात करें
रिहायशी इलाकों में पानी भरने का, तो पूरी तरह से मधुबनी और दरभंगा के जो के अंदर है कहीं ना कहीं, किसी के घर के अंदर 2 फीट पानी है तो किसी के घर के अंदर 4 फीट पानी है। आलम यह है कि अगर आपको किसी के घर पहुंचना है तो आपको कम से कम 3 से 4 फीट पानी में गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये अगर जमीनी हकीकत है, या फिर आप कह रहे हैं कि रास्ते में कब चलेगी। जी हम प्रशांत से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, मगर जैसा कि प्रशांत बता रहे थे वो खुद इस समय बिहार में मौजूद हैं और फ्लड की जो हालात हैं उसको कवर कर रहे हैं। उन्होंने ही कृषि मंत्री जो बिहार के हैं प्रेम कुमार, जिनको आप जिनके विजुअल्स आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से दौरा करने के लिए निकले, मगर साफ है कि जनता इस दौरे से, इस फोटो ऑप से खुश नहीं है। उनको एक्शन चाहिए, उनको मदद चाहिए, मगर ऐसा लगता है कि बिहार सरकार काफ़ी देर से नींद से जागी है।